दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं अमृतधारा, जो छत्तीसगढ़ के मनिंदगढ़ जिले में बसा हुआ एक जलप्रपात है। दोस्तों यहां पर जाकर घूमने के बाद और इसको देखने के बाद मजा ही आ जाता है। तो चलो दोस्तों आगे ब्लॉग में आपको दिखाता हूं कि क्या होता है। दोस्तों हम लोग जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो गाड़ी को स्टैंड में कर देते हैं और एक छोटा सा पार्क रहता है जिसके अंदर हम लोग चल जाते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे कर करके पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और थोड़ा सा मैं झूला झूल के मज़ा लेता हूँ। यहाँ से रेस्ट मारने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दोस्तों देखिए ऊपर से अमृतधारा का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऊपर से अमृतधारा को देखने के बाद हम लोग नीचे की ओर चलते हैं जहां से व्यू एकदम झकास दिखाई देता है। तो चलिए आगे आपको दिखाता हूं। दोस्तों नीचे आने के बाद यहां का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर अमृतधारा के पावन स्थल पे आ गया हूँ जहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य चित्रण किया गया है। आप लोग देख सकते हो बहुत सारे चट्टाने यहाँ पर पानी की धारा से कटे हुए हैं और प्रकृति के बीचों बीच यह अमृतधारा का झरना यहाँ से गिरता है और काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पानी कैसे चट्टान को काटते हुए आगे निकला है। देखिए ऐसा लग रहा है किसी मशीन से इसको नकासी किया गया है। यह कुदरत का एक बढ़िया करिश्मा है जो मैं आपको और आगे दिखाऊंगा। दोस्तों यही वह जगह है जहां से अमृतधारा का धारा गिरता है और यहां पर गिरने के बाद पत्थर में टकराने के बाद यहां का माहौल ठंडा कर देता है। और इसी ठंडे माहौल का मज़ा ये सभी यहां पर ले रहे हैं और मैं भी यही माहौल का मज़ा ले रहा हूं। दोस्तों यहां पर मौसम गार्डन गार्डन लग रहा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन पर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे झरने का फवारा गिर रहा है यहाँ पर, वैसे एक घास की तरह पानी मतलब उड़ रहा है, देख सकते हो आप लोग। और दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर कुछ फोटो खींच लेते हैं। यहाँ का पूरा मज़ा लेने के बाद टाइम हो गया था वापस जाने का, इसलिए अब हम लोग धीरे धीरे वापस चलते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग नहाने आ जाते हैं तो ये लोगों को नहाने देते हैं और हम लोग वापस चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग इस जगह से धीरे धीरे वापस जा रहे हैं क्योंकि जो मज़ा लेना था हम लोग कुछ देर में यहाँ पर ले लिए। और देखिए कोई कोई यहाँ जानवर लोग यहाँ पर मूंगफली खाकर उल्टी भी किए रहते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। खतरनाक चट्टानों और भीड़ भरे इस झरना वाले एरिया से अब हम लोग वापस जा रहे हैं जिसका नाम है अमृतधारा। यहाँ पर बहुत मशक्कत करके चलना पड़ता है, नहीं तो पैरों तले आपका ज़मीन खिसक सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूटे टूटे चट्टानों के टुकड़े हैं जो आपका कभी भी जान ले सकते हैं। यहाँ पर पानी में घुसकर पैर को ठंडा करने का कोशिश हो रहा है, इसमें काफ़ी मजा। बहुत सारा ऊंचा ऊंचा चट्टानों का टुकड़ा टूट टूट कर गिरा हुआ है जो काफी बढ़िया लग रहा है।
सीढ़ियों से होकर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं और यहाँ से देखिए अमृत धारा का जो व्यू है कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर किसी अगले ब्लॉग में मिलते हैं।